जम्मू कश्मीर के बड़गाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर देश में गुस्से का माहौल है। शुक्रवार को आतंकियों ने राहुल भट्ट को गोली मारी थी, उसके बाद से लोग जगह जगह प्रदर्शन करने लगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने कैंडल मार्च निकाला। इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी शामिल हुई। लोगों ने बड़गाम के डीसी को बर्खास्त करने की मांग की। डीसी पर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट नहीं रखने का आरोप लगाया। राजस्थान में अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद हैं। नागौर जिले में आने वाले नवा में नमक व्यापारी जयपाल पुनिया की गोलियों से भुनकर हत्या कर दी गई। बुलेरो में आए बदमाशों ने पहले कार रोकी, फिर व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायल शख्स को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसने दम तोड़ दिया। कारोबारी राजस्थान नमक उत्पादन संघ का अध्यक्ष भी रह चुका था। व्यापारी की हत्या के बाद से इलाके में माहौल गर्म है और सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के ऑफिस में हमले का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट कर ममता बैनर्जी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा है कि बंगाल पुलिस के जवानों ने ऑफिस में हमला किया, ये ममता बैनर्जी के नंदीग्राम से हार की हताशा है। प्रदेश के गवर्नर को मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। असम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हाल बुरा हो चुका है। दीमा हसाओ में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। दीमा हसाओ में कई रेलवे स्टेशन को बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पर दो पैसेंजर ट्रेनें फंस गई, जिसके बाद सवारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेलवे के अधिकारी ने कहा है कि ट्रेन का संचालन कब शुरू होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज हरियाणा के गुरुग्राम में अहिर रेजिमेंट कार्यकारिणी सेम ने सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बीच सड़क पर कई प्रदर्शनकारी बाइक से स्टंट करते नजर आए। जब पुलिस ने हुड़दंग की इन तस्वीरों को कैप्चर करने की कोशिश की तो कार्यकारिणी के लोग उन्हें पुलिस को धमकाने लगे। गुना में बदमाशों ने पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश की। दरअसल पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पकड़े गए बदमाशों को हथियार की तस्दीक करने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में एक बदमाश ने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़कर उसे घुमा दिया, जिससे बैलेंस बिगड़ने के बाद गाड़ी पलट गई और बदमाश एसआई की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, नहीं मानने पर पैर पर गोली मारी गई और बदमाशों को पकड़ा गया। विशाखापट्टनम के समंदर बीच पर बड़ा सफाई अभियान चलाया गया। क्लीन ड्राइव में अलग अलग सरकारी विभागों के 2500 से ज्यादा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें नगर निगम कमिश्नर, जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर शामिल हुए। सभी लोगों के बीच से कूड़ा करकट साफ किया गया। सरकारी कर्मियों की इस शानदार पहल से स्थानीय लोगों में भी उत्साह नजर आया, वो भी साथ हो लिए। देखते देखते शहर का बीच पूरी तरह से साफ नजर आने लगा। इस काम से समाज में एक संदेश गया कि लोगों की एकजुट पहल से सारे काम संभव हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।